नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे बीएसएससी और बीएसएससी के लेट लतीफी का प्रभाव को लेकर। अभी एक जो बीएसएससी का ग्रुप है उसमें मैं लगातार दो तीन दिनों से देख रहा हूं कि एक पेपर कटिंग जो है ये कर रहे हैं, उसमें दिया है कि जिलों में 176 की जगह मात्र 55 राजस्व कर्मी दाखिल, खारिज के 58,359 मामले लंबित हैं अभी तक, और कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं लोग, नहीं हो रहा है कार्यों का निष्पादन। तो आपको बताएं कि 176 पटना जिले को जरूरत है और 55 है मात्र। और यह भी आपको बताएं कि पेपर में ही दिया हुआ है कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए दाखिल खारिज का मामला तो 10 लाख के आसपास केस पेंडिंग है अभी, और जो राजस्व कर्मचारी हैं उनकी बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होनी है, जो कि पिछले 8 सालों से लटकी हुई है। अब देखिए, इसका दो तीन पहलू है। एक तो हम छात्रों की तरफ से बात करेंगे और दूसरा देखेंगे कि प्रशासनिक और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट हुआ, इन सभी पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन कर्मचारियों की बहाली सही समय से ना हो पाने का क्या क्या असर पड़ रहा है। अभी आपको हम बताएं कि बीएसएससी ने 2014 में 13,120 पदों के लिए बहाली निकाला, और जब 2014 में ये बहाली निकाला गया तो रिक्ति जो है वो मानिए 2010 के बाद से रिक्तियों की ज़रूरत होगी, और वो जो है सबका जाता है, रिक्ति का डिमांड जो है वो सरकार के पास जाता है, सरकार फिर उससे भेजती है आयोग के पास। तो 2014 में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और 2022 अभी है और अभी तक इनकी बहाली नहीं हो पा रही है। यानी कि जो ज़रूरत 2010-11-12 में थी वो चीज़ ही अभी 2022 में उतने कर्मचारी ही इनको नहीं मिल पाए हैं, और 13,120 हैं बिहार के विभिन्न जो विभाग हैं उनमें ये कर्मचारी जो है जो जाएंगे, और वहाँ पर मेन अहम काम जो जनता तक पहुँचने वाला जो काम है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान, और ख़ासकर हम कहें तो इस बार के कार्यकाल के दौरान, जमीन विवाद को लेकर बहुत सारे जो है वो फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारा जो कागजात है वो ऑनलाइन हो जाएगा, दाखिल खारिज को लेकर भी वो तरह तरह के उपाय बताते हैं या फिर नियम बनाते हैं जिनसे ये काम आसान हो। इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार में जितना भी अपराध होता है उसका मैक्सिमम जो कारण जो है उसका जमीन ही होता है, जमीन के ही विवाद के कारण ज़्यादातर अपराध होते हैं, और इसलिए उन्होंने जमीन के कार्यों पर उनके जमाबंदी हुआ, फिर से जो बंटवारा हुआ, हिस्सेदारी हुआ, वो सब को लेकर काफ़ी दुरुस्त करने के लिए काफ़ी मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन ये मुहिम पूरा करेगा कौन? करने की जिम्मेवारी तो राजस्व कर्मचारियों की होती है, और उनकी बहाली तो एक आयोग ही बिहार का जो है वो 8 सालों से लटका के रखा है। तो नीतीश कुमार कितना भी कोशिश कर लें, जब तक ये कर्मचारी नहीं होंगे जो कि ग्राउंड पे जाते हैं, जिनका काम है रसीद काटना, फिर से भूमि का सर्वेक्षण करना, जो भी काम है जमीन से रिलेटेड वो यही करते हैं, और ये जब बहाल ही नहीं है, मामले पेंडिंग रहेंगे तो विवाद तो होगा ही, क्योंकि जल्द से जल्द अगर कागज क्लियर हो जाएगा तो विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन जब कर्मचारी ही नहीं है तो कैसे ये काम होगा, और पूरे बिहार में 10 लाख मामले दाखिल खारिज के पेंडिंग हैं। इसके अलावा और भी मामला होगा जमीन से रिलेटेड, बहुत सारा चीज होगा जो कि इन कर्मचारियों को करना होता है। तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, मुख्यमंत्री का ऐसा मानना है कि जमीन के कारण ही सबसे ज़्यादा बिगड़ती है, हत्याएं होती हैं या केस मुकदमेबाजी होता है वो सबसे ज़्यादा जमीन के ही कारण होता है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार ये आयोग है जिसने 8 सालों से बहाली को लटका के रखा है, और वो भी 176 पटना को चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि ये कब के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि 2022 में 176 जो है उसकी ज़रूरत है, ये होगा कम से कम 20 साल पुराना होगा ये। इसको अपग्रेड किया जाए तो पटना जिले में 500 से कम राजस्व कर्मचारियों की ज़रूरत होगी ही होगी, उससे कम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और ऐसा ही जो है बिहार के विभिन्न जिलों में होगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जो भी काम है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और ऐसे में कर्मचारियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो उसके अलावा आपको बताएं कि 13,120 पदों पर बहाली होने वाली है, विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उसमें बहाली होने वाली है, और ये सारे पद जो हैं
वो 2010 से लेकर 2014 के बीच में जरूरत था, जिसके लिए बीपीएससी को कहा गया कि अभी बीएसएससी को कहा गया कि आप विज्ञापन निकालिए, लेकिन 10-12 साल तक उन्हें वो कर्मचारी नहीं मिले हैं। अभी तक बीएसएससी कहीं भी किसी भी हिसाब से देखने से ये नहीं लगता है कि वो बहाली को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उसके कार्य प्रणाली को देखकर यही लगता है कि वो बहाली को लटकाने के लिए और कितना ज़्यादा लटकाया जा सकता है इसी के लिए कार्य कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में बर्बाद हो रहा है बिहार। नीतीश कुमार बिहार में विकास को चलाने के लिए, विकास की धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने योजना चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं बिहार का, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर इन्हें जमीन पर उतारेगा कौन। मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूं कि एक ब्लॉक में आप जाइएगा तो एक ब्लॉक में लगभग 43-44 डिपार्टमेंट के कार्य जो हैं, जो सचिवालय और मंत्रालय लेवल पर जो नियम बनते हैं उसको इंप्लीमेंट कराने का जिम्मेवारी ब्लॉक पे ही होता है। एक ब्लॉक में अमूमन 2 से 2.5 लाख लोग औसतन रहा करते हैं वहाँ पर, और उस ब्लॉक को कितना कर्मचारी चलाता है। अभी अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट वालों को हटा दिया जाए तो मुश्किल से 5 से 7 कर्मचारी जो होंगे जो एक ब्लॉक ब्लॉक को चलाते होंगे। कैसे काम होता होगा, कैसे आप उतनी योजनाओं को उतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका फीडबैक ले सकते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश सोच सकते हैं। ये तो तब तो यही हो गया कि सचिवालय और बड़े बड़े स्तरों पर होता है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, कर्मचारियों की कमी है वहाँ पर, कर्मचारी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो एक कार्य करने के बाद उसको फिर से रिवाइज कर सके, उसको देख सके कि उसका परिणाम क्या आया, उसमें किसको सही मिला किसको नहीं मिल पाया। तो कर्मचारी ही नहीं है, वही हाल अनुमंडल का है, वही हाल जिलों का है। जिलों में कहीं भी कलेक्ट्रेट में चले जाइए मैक्सिमम पद खाली है जो कि बीएसएससी के द्वारा ही भरे जाना है, या फिर मंत्रालय लेवल पर चले जाइए सचिवालय में, वहाँ पर भी जो बहुत सारे पद हैं जो कि बीएसएससी की इन्हीं परीक्षाओं के द्वारा भरा जाना है। तो आखिर ये सरकार जितने भी विकास के लिए कार्य करेगी या फिर लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए जो भी करने के लिए करेगी, इसको धरातल पर जब तक ये कर्मचारी नहीं पहुँचेंगे कैसे पूरा हो सकता है, कैसे बिहार आगे बढ़ सकता है। नीतीश कुमार लाख कोशिश कर लें, लाख नियम बना लें, लेकिन जब उनके पास काम करने के लिए जो कर्मचारी पर्सनल की बात कही जाती है वो नहीं रहेगा, तब तक वो कैसे उसे जमीन पर उतार पाएंगे। और इसके लिए दोषी कौन है, मैं तो सीधे सीधे बीएसएससी को मानता हूँ। देखिए बीएसएससी दो तरफा बिहार का नुकसान कर रही है, एक तो है कि बिहार के युवाओं की जवानी को बर्बाद कर रही है, कोई फिक्र नहीं है। दो एक तो है कि भ्रष्टाचार का आरोप 2016 में लगा कि कैसे बंदरबाट हुआ करता था, तो वो भी एक युवाओं के साथ जो है धोखाधड़ी किया जाता था उसमें, जहां पर पैसे लेकर क्वेश्चन पेपर वैसे लोगों को दे दिया जाता था जो कि पैसे के दम पर नौकरी करना चाहते थे। और फिर से बताएं आपको, जब पकड़े गए मामला कार्रवाई हुआ, बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ, उसके बाद आपको बताएं कार्रवाई होने के बाद जो है जो उसके अध्यक्ष सचिव जेल गए, लेकिन उसके बाद भी इसके कार्यों में कोई सुधार दिखाई देता ऐसा नहीं होते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी बीएसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय का रिजल्ट जारी करने के बाद उसका कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहता है। ऐसा लगता है कि परीक्षा में कोई ऐसा ब्लंडर है या कोई ऐसा पेच है जिसके कारण ये डर है कि जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन कुछ बवाल हो जाएगा या फिर कोई फंस जाएगा। अभी तक के कार्यप्रणाली से तो यही लगता है, भगवान से मनाएंगे कि ऐसा ना हो, जो भी मेरिट लिस्ट आए वो एकदम निष्पक्ष हो, सही हो, उस पर किसी तरह का विवाद ना हो, ताकि फिर छात्रों को आगे किसी तरह का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। तो आप समझिए कि ये आयोग कैसा है कि 8-8 साल युवाओं की जवानी को खा रहा है, और इसके बहाली न करने के चलते, लेट लतीफी के चलते बिहार का विकास जो है वो अवरुद्ध हुआ है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति खराब हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधे मानना है, वो कई मंचों पर कह चुके हैं कि जमीनी विवाद ही अपराध बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, और ये जमीन विवाद सॉर्ट आउट करने का काम जिम्मेवारी जो है सरकार का है, और सरकार के लिए ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं राजस्व कर्मचारी। और जब वही नहीं रहेंगे, 10-10 लाख एक स्टेट में दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि दाखिल खारिज
तत्काल होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। आखिर अफसर भी क्या करेंगे, अफसर भी जो हैं वो भी क्या करेंगे, जब उनके पास कर्मचारी रहेंगे तब तो वो करेंगे ना, उनसे करवाएंगे काम। अब एक कर्मचारी इतने इतने मामलों को कैसे देख सकता है, 55 कर्मचारी कैसे देख सकता है 60-60 हज़ार मामले को। बिहार में देखा जाए 10 लाख मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं तो सबके लिए दोषी आयोग को मानता हूँ, और आयोग ने अपने पिछले गलतियों से कोई सीख नहीं लिया है। अगर 2016 में जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी और दंडित किया गया था लोगों को, और नई टीम आती तो उसको फिर इतना समय क्यों लग गया, उसे 5-6 साल क्यों लग गया, क्यों जो है वो जब काउंसलिंग का डेट देना था उस समय वो पीटी का रिजल्ट देते हैं, क्यों वो लगाते हैं कि नया एनसीएल पुराना एनसीएल का लफड़ा। आखिर जो छात्र एनसीएल को लेकर कोर्ट गए, और ये खबरें निकल के आ रही हैं कि आयोग नाराज हो गया कि कोर्ट क्यों गए, वो हम कुछ इस पर रास्ता निकालते, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। आयोग के तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन छात्रों का ऐसा मानना है, उनका कहना है कि आयोग नाराज है कि छात्र कोर्ट क्यों चले गए इसको लेकर, जबकि हम कुछ रास्ता निकालते। लेकिन कैसे यह छात्र आप पर विश्वास कर लेते कि आप रास्ता निकालते। छात्र तो आपको आयोग के दफ्तर में भी जाकर पूरे दिन रात तक बैठे रहे हैं, आपने वहाँ पुलिस की मदद से जो है उठवा कर उन्हें बाहर फेंकवा दिया, कैसे विश्वास करते। तो कोर्ट जाने का जो छात्रों ने रास्ता अपनाया वो भी काफ़ी दिनों से आपके इस परीक्षा में फंसे हुए थे, मैं उन्हें दोषी नहीं मानूंगा। फिर से जो एनसीएल जिनका कोई मुद्दा नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो भी परेशान है 4 महीने से, उनका भी कहना है कि हम कितने दिन और इंतजार करें। देखा जाए तो दोनों की स्थिति जो है, दोनों अपने अपने जगह पर एकदम सही है, कि ये भी कह रहे हैं कि हम उनके चलते हम लोग का रिजल्ट 4 महीने से रुका हुआ है, और इनका भी कहना है कि हमने भी 7.5-8 साल लगाया है इस परीक्षा में, और अंतिम समय में जाकर अगर आयोग विज्ञापन के विरुद्ध काम करेगा तो हम कैसे सह जाए, हम कैसे चुप हो जाए। तो उनका भी बोलना सही है। तो आयोग जो है, जबकि उसे निर्देश भी मिल चुका है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि आप नए एनसीएल वालों को बाहर नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं नोटिस दिया जा रहा है, फिर क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है कि छात्र जो हैं आप परेशान ना हो, नए एनसीएल वालों को भी लिया जाएगा, और हम इसको लेकर कोर्ट में अपील भी करेंगे कि हमारा केस वापस हो और जो भी एनसीएल का मामला था ये खत्म हो गया। लेकिन कहाँ आयोग, सारी गलतियां आयोग कर रहा है और लड़ कौन कौन रहा है, कभी कोई विधायक संदीप सौरभ पर प्रश्न कोई उठा रहा है, तो कोई एनसीएल पर केस करने वाले पर प्रश्न उठा रहा है, तो कभी कोई विकलांग वाले मुद्दा पर उंगली उठा रहा है, तो कभी किसी यूट्यूबर पर कोई उंगली उठा रहा है, जबकि सारे फसाद का जड़ जो है वो बीएसएससी है। लेकिन इतने लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, वो समझ ले रहे हैं, वैसे लोग को अपना दुश्मन समझ ले रहे हैं जो कि अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। लेकिन मेन गलती करने वाला जो है बीएसएससी, आखिर क्या देरी है, क्या गड़बड़ी है, बताना चाहिए उन्हें, उन्हें पत्र व्यवहार करना चाहिए। आखिर आपने लगभग 14-15 हज़ार बच्चों को उलझा के रखा है पिछले 8 सालों से, तो एक आपका फर्ज बनता है कि उनसे आप पत्र व्यवहार करें, एक नोटिस जारी करें, उन्हें बताएं कि वास्तु स्थिति क्या चल रही है, किन कारणों से देरी हो रही है। लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ता है, उन्हें भी ट्वीट करना पड़ता है, मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ता है, मीडिया के सामने आके जवाब देना पड़ता है, और आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक आयोग हैं, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो काफ़ी आश्चर्यजनक है, और ये जो पेपर का जो कटिंग चल रहा है उसे देखकर तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये आयोग जो है बिहार के लिए विनाशकारी है, और सरकार को पूरी तरीके से इस पर समीक्षा करना चाहिए, इसके कार्य प्रणाली को देखना चाहिए, और सभी चीज़ों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह अगर बहाली होती रही बिहार में तो न बिहार के युवाओं को समय से नौकरी मिल पाएगा, और न ही बिहार में कितना भी आप नियम बना लें कि ये विकास की धारा चलाएंगे, वो विकास की धारा चलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा, वो कभी भी नहीं पूरा हो सकता है, वो सिर्फ नारों में और बयानों में ही रह सकता है। तो ज़रूरत है अपने मशीनरी और भर्ती जो आयोग हैं उनके कार्य प्रणाली की समीक्षा करने की, और उन्हें लोकतांत्रिक बनाने की, ताकि वो छात्रों के साथ न्याय करें, उन्हें
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था होता है कि किसी भी परीक्षा को लेते हैं तो पारदर्शी परीक्षा लेना है, क्वेश्चन पेपर देना है, आंसर शीट जारी करना है, उनका कट ऑफ बताना है, उनका इंडेक्स बताना है, उनके आरटीआई के प्रश्नों का उत्तर देना है, और सबसे बड़ी बात समय से करना है ताकि युवाओं की जवानी बर्बाद ना हो। ये सब चीज़ करना पड़ेगा तभी बिहार जो है वो आगे बढ़ सकता है, वरना हम कितना भी आज बिहार दिवस मना लें, कितने भी ड्रोन उड़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वास्तुस्थिति यही रहेगा कि जब हम प्रखंड में जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहां पर लोगों में हताशा निराशा हमेशा मौजूद रहेगा और लोग जो हैं लगातार हमेशा की तरह सरकार पर ही आरोप लगाते रहेंगे, और इसके लिए दोषी सरकार नहीं बल्कि सरकार की ये मशीनरी है जो कि भर्ती करती है वही दोषी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।